Good morning. गुड इवनिंग. और हम और शिव जी यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है. मैं आपको मिलवाने वाली हूँ शिव जी से. हेलो शिव जी. हेलो. वो अभी ड्राइव कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे. और मंदिर जाने के बाद में हम कुछ कुछ खाएंगे भी, जैसे शिव जी बाटी खाएंगे और मैं पानी बताशा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना, तो मैंने कहा था ना बताशे ख़त्म हो गए थे, तो आज हमको टाइम मिला है. शिव जी कोर्ट से जल्दी भी आ गए हैं और हम लोगों को सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग भी खुली हुई है, सारी की सारी क्रॉसिंग खुली हुई मिल रही है. वैसे तो हर बार आपको कैसी मिलती है? बंदी मिलती है. हाँ. मैं इनके साथ आता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे क्रॉसिंग जो है बंदी मिलती है. मतलब हमेशा की बात है, मैं और शिवजी अगर अकेले जा रहे हैं, जैसे कि आज पहली बार हुआ है कि क्रॉसिंग बंद नहीं हुई. नहीं, है कई बार ऐसा हुआ. हाँ. क्रॉसिंग बंद नहीं हुई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहती क्रॉसिंग. ये मैं कहना और सारा ब्लेम मुझे जाता है कि जब मैं तुम्हारे साथ तुमको लेके आता हूँ हमेशा क्रॉसिंग बंद मिलती है. और पता है जब बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम कम हो हमारे पास और हमको निकलना है तो हमेशा. बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में, तो हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए. शिवजी को कुछ काम है और उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे. मंदिर जाने के बाद मुझे पानी बताशा खाना है और शिव जी को बाटी खानी है, क्योंकि उनको बाटी बहुत पसंद है. मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मतलब मुझे बाटी इतना नहीं पसंद है. मैं एक से दो पीसेस ही खाती हूँ और मैक्सिमम दो पीसेस, इससे ज़्यादा नहीं. बट शिव जी को बहुत पसंद है बाटी और पसंद है तो वो खाएंगे. बट मैं थोड़ा सा मूड में हूँ मंदिर, मतलब भगवान जी के दर्शन करने के बाद में, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में मैं फुल मूड में आई हूँ कि मैं अच्छे बताशे खाऊं, क्योंकि दो तीन बार से ऐसा हो रहा है ना कि मुझे बताशे नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे बताशे. जाती हूँ तो लौट के आना पड़ता है या तो ख़त्म हो जाते हैं. एक जो अंदर से क्रेविंग है ना मन में अच्छी बताशे खाने की, वो नहीं हो पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहे हैं. एक बार अंदर गई थी दीदी के साथ खाने, वहाँ पर भी अच्छे मिलते हैं, बट उस दिन क्या था, उस दिन पानी अच्छा नहीं था तो मुझे अच्छा नहीं लगा. और बट MIS के अच्छे मिलते हैं, बट उस दिन ख़त्म हो गए थे. और आज हम बिल्कुल दिन में ही भगवान जी के दर्शन करने आए हैं. शाम का 4 बजा है कह सकते हैं आप, तो अच्छे से दर्शन भी करेंगे दिन में. और हर बार तो थोड़ा सा रात हो जाती थी, 8-9 बज जाता था जब हम दर्शन करने आते थे, बट अभी क्या है, अभी हम शाम को आए हैं 4 बजे, तो अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे, अच्छा टाइम भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, पता नहीं कैसे, बट कल से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है. तो चलिए देखते हैं. तो ना इस मौसम में, और अभी बताशे स्टार्ट हुए ही होंगे, 3 बजे से आई थिंक लगाते हैं वो लोग, तो अच्छे बताशे मिलेंगे यार. अभी शिव जी आए नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगे. तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के बहुत ही पास. हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है साइड में यहाँ पर, जहाँ पर ये फूल मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे फूल मिलते हैं यहाँ पर, बुके मिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर, जैसे आप देख रहे हैं ये लाल गुलाब से भरी हुई पूरी टोकरी बहुत सुंदर लग रही थी. इस गली में ना अंदर गाड़ी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारी शॉप हैं, बहुत भीड़ रहती है. इस वक्त हम लोग हैं मिठाई की शॉप पर, और ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ये नारियल के लड्डू हैं, जो मुझे बेहद पसंद हैं, मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं ये. और अब हम तो हम मंदिर में अंदर आ गए हैं, और इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खाली मंदिर था, मतलब कह सकते हैं भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे हम लोगों को हमेशा रात में जाने पर भीड़ मिलती है, और इतनी लाइन भी नहीं थी, आराम से दर्शन हो रहे थे.
नॉर्मली सब खड़े होकर पूजा करने आ रहे थे और बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा था। दिन के वक्त ही जाना अच्छा है, जैसे शाम के 4 से 5 बजे तक, क्योंकि रात में तो बहुत भीड़ हो जाती है। अब हम और शिव जी डेली, मतलब कह सकते हैं हर ट्यूसडे को हम लोग शाम को ही जाया करेंगे। अब हम लोग रात में नहीं जाएंगे क्योंकि दिन में बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद हमने दर्शन करने के बाद अब हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद में, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर शनिदेव जी के मंदिर आए। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत काफ़ी बड़े एरिया में है। और हम यहाँ पर ये शनिदेव के मंदिर में हैं। ये पेड़ है, पेड़ की जड़ में शनिदेव जी की मूर्ति रखी है। और बहुत ही अच्छा मंदिर मुझे लगता है ये, और घर के बहुत ही पास है। और अब देखिए, हम लोग मंदिर होने के बाद में अब बाटी ले आए हैं शिव जी, क्योंकि उनको बाटी खानी थी जैसा मैंने आपको बोला था। और अब हम बाटी खा लेते हैं। मैं घर पर आ गई हूँ, अब तो काफ़ी समय हो गया है। मुझे शाम को आ गई थी मंदिर से और चाय भी पी ली है मैंने अब तो। और अब खाना खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो मैं जा रही हूँ डिनर करने। और मिलती हूँ आपसे डिनर करने के बाद में। और उसके बाद में थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, आपसे गुड नाइट बोलेंगे। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। देखिए, कैसी भी स्किन हो और थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आपकी स्किन अगर पिगमेंटेशन हो गया है और उसको नॉर्मल होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप उसकी पहले सबसे ज़्यादा तो केयर करना शुरू करें। अगर आप केयर नहीं करती हैं तो पहले केयर करना शुरू करें, क्लीनिंग करना शुरू करें अपने चेहरे की धीरे धीरे। और कोई भी फेस मास्क अप्लाई करें, आप नॉर्मल चंदन का भी लगा सकते हो या मुल्तानी मिट्टी का भी, मुल्तानी मिट्टी से भी शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद में आप स्क्रब करना भी शुरू करें, अगर आप स्क्रब नहीं करती हैं तो स्क्रब भी करें। और कोई क्रीम अगर आप चेहरे पर नहीं लगाती हैं तो वो भी लगाना शुरू करें। बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती हैं कि काम के चलते उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है कि वो अपनी केयर नहीं कर पाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालें। और क्योंकि देखिए, एक बार चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाए या ब्लैमिशेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत होने लगती है फिर चेहरा नॉर्मल हो पाना, या आप खुद ही नहीं कर पाते हो, तो पहले तो केयर करना शुरू करिए। ओके, और मामा अर्थ की बाय बाय ब्लैमिशेज एक क्रीम आती है, आप उसको, फेस क्रीम है, आप उसको लगाना शुरू करें, चेहरे की केयर करना शुरू करें। दूसरी चीज़, पहले टोनिंग कर लें या गुलाब जल से साफ़ करना डेली करना सीखें, मतलब डेली करें। आपके लिए आपको एक वो है कि आपको अपना चेहरा क्लीन करना ही करना है। दिन में 2-3 बार आप करेंगे ना तो आपका चेहरे पर फ़र्क दिखने लगेगा। दूसरी चीज़, आप अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद में खाली ना छोड़ें। उससे क्या होता है, अगर आप अपना चेहरा वॉश कर लेते हो किसी भी चीज़ से, उसके बाद चेहरे पर कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो ना, तो चेहरा डल होने लगता है। और आप उस पर क्रीम ज़रूर अप्लाई करें, कोई भी क्रीम लगाएं, या कोई एलोवेरा जेल लगा लें या मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा जेल लगाएं, वो बहुत अच्छा होता है। और अपने चेहरे की केयर करें, डेली एक फेस मास्क लगाएं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। ओके, मेरा खुद का बहुत बिजी शेड्यूल है, और बट मैं फिर भी अपने चेहरे के लिए और शिवजी के चेहरे के लिए टाइमिंग ज़रूर निकालती हूँ। पूरे दिन में 10 मिनट तो बहुत होते हैं अपने चेहरे की क्लीनिंग करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए। देखिए, रात में सोने से पहले तो कोई भी आदमी, कोई भी फीमेल अपने चेहरे की क्लीनिंग कर ही सकते हैं। कुछ नहीं तो रात में आप टोनिंग कर लीजिए और चेहरे पर कुछ ना कुछ अप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ओके, रात हो गई है, मैं यहाँ पर स्किन केयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये मामा अर्थ का फेस वॉश लिया है मैंने, और फेस वॉश से पहले मैं चेहरा क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेहरा वॉश कर लिया है और एकदम साफ़ हो गया है। इसके बाद में मैं नाइट क्रीम लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं मामा अर्थ की नाइट क्रीम लगा रही हूँ। आप अपने चेहरे पर रात में सोने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं, थोड़ी सी केयर ज़रूर करें।
क्रीम लगाने के बाद में इसके बाद में मैंने इनिसफ्री की आई क्रीम लगाई है। एक और बात, आई क्रीम जब आप लगाएं तो आंखों से थोड़ा सा दूरी पर लगाएं। आई क्रीम काम क्या करती है, देखिए जितने भी रिंकल्स होते हैं आंखों के आसपास, आंखों की जो स्किन सिकुड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, या आपकी जो कह सकते हैं पलकें हैं बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, रूखी हैं, रफ़ हैं, खुजली हो रही है आँखों के आसपास, और डार्कनेस है उसको रिमूव करती है। और यहाँ मेरे गिन्नी बिटकॉइन खेल रहे हैं, इनका ये खेलने का वक्त है। शाम से हम लोग नीचे चले जाते हैं, हम और शिवजी, तो ये लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, बालकनी में खेल लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, दीदी के रूम में बैठ जाते हैं, और इस वक्त ये रात में सोने से पहले ज़रूर खेलते हैं। ये देखिए मस्ती करना है दोनों के दोनों। आपको इनकी और भी बहुत सी प्यारी प्यारी वीडियोस देखनी है ना, तो आप इनके चैनल पर जाइए, गिन्नी एंड बिटकॉइन, बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पर इनकी देखने को मिलेंगी, बहुत प्यारी हैं ये गिन्नी और बिटकॉइन। ये देखिए बिटकॉइन तो रात हो गई है, मैंने स्किन केयर भी कर लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ, शिवजी भी सोने जा रहे हैं, तो गुड नाइट सभी को, स्वीट ड्रीम्स।